पापा, आज मुझे अलग अलग तरह की तीन कहानी सुनाइए जो मैंने स्कूल में सुनाना होगा, जिससे मैं प्राइज भी जीत सकूं। ऐसा कौन कहा तुम्हें? स्कूल में मेरे टीचर ने कहा है जो अच्छा कहानी सुनाएगा उसे अच्छा सा प्राइज मिलेगा। अच्छा ठीक है, मैं तीन अलग अलग कहानी सुनाता हूँ, जो अच्छा लगे वही स्कूल में सुनाना, ठीक है ना? ठीक है पापा, अब शुरू करो। ठीक है, शुरू करते हैं। कहानी एक, शिक्षा की आवश्यकता। एक छोटे से गांव में रहने वाला बच्चा रामू बहुत ही जिज्ञासु और पढ़ाई के लिए उत्साही था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इसे पढ़ाई करने का मौका नहीं दे रही थी। रामू का पिता एक छोटे से किराना दुकान का मालिक था और घर की आर्थिक समस्याओं के कारण उसे अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने का वक्त नहीं मिल पा रहा था। एक दिन रामू की दादी ने उसे विद्यालय के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, बेटा, शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। रामू की दादी के शब्दों में गहराई थी और रामू ने अपने सपनों को पूरा करने का निर्णय किया। धीरे धीरे रामू की मेहनत और लगन ने उसे उसके लक्ष्य के करीब ले जाया, लेकिन एक दिन उसके पास फीस जमा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। इससे उसकी पढ़ाई में रुकावट आई। इस समस्या को देखकर गांव के शिक्षक ने रामू के परिवार से मिलकर उनकी मदद की। शिक्षक ने उन्हें स्कॉलरशिप के बारे में बताया और उन्हें समझाया कि शिक्षा का महत्व उसे विद्यालय जाने के लिए धन की बुनियाद पर है। इसके परिणाम स्वरूप रामू को स्कॉलरशिप प्राप्त हुई और वह फिर से अपनी पढ़ाई में लग गया। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता से काम किया और अंत में एक उत्कृष्ट शिक्षाविद बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो हर बच्चे के सपनों को पूरा करने के लिए उसके पास होना चाहिए। धन की कमी होने पर भी समाज की सहायता और स्कॉलरशिप की सुविधा होने से वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकता है। शिक्षा की आवश्यकता उसके उत्कृष्टता और समृद्धि की नींव होती है। कहानी दो, भगवान की पूजा। एक गांव में एक गरीब किसान रामलाल रहता था। उसके पास बहुत सारे संघर्ष थे, लेकिन वह हमेशा ईश्वर में विश्वास करता था। उसका ध्यान भगवान की पूजा में ही रहता था। रामलाल के घर के पास एक प्राचीन मंदिर था जिसमें एक प्राचीन मूर्ति थी। रामलाल हर दिन सुबह सुबह और शाम शाम मंदिर जाकर पूजा करता था। उसका मानना था कि भगवान की कृपा से ही उसकी सभी समस्याओं का हल होता है। एक बार गांव में बहुत बड़ा सूखा हो गया। लोगों के खेतों में अनाज की कमी हो गई और सभी अधिक तंग दिनों का सामना कर रहे थे, लेकिन रामलाल को इससे कोई बड़ी चिंता नहीं थी। वह हर दिन भगवान की पूजा करता और आशा करता कि सब ठीक हो जाएगा। एक दिन एक साधु गांव में आया और रामलाल के पास आकर बोला, बेटा, भगवान की पूजा बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें भगवान की इच्छा का पालन भी करना चाहिए। खेतों में नियमित जल देना और संजीवनी बूटी की तरह पौधों का ध्यान रखना भी भगवान की पूजा है। रामलाल ने साधु के शब्दों को सुनकर समझा कि भगवान की पूजा का मतलब सिर्फ मंदिर जाकर आरती उतारने से नहीं है, बल्कि सेवा करने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में भी है। रामलाल ने उसी दिन से अपने कर्तव्यों का पालन करना शुरू किया। उसने खेतों में पानी देने की नियमितता बढ़ा दी और पौधों का खास ध्यान रखा। धीरे धीरे रामलाल के परिसंघ के खेतों में फिर उगावट आरंभ हो गई। उसने समझा कि भगवान ने उसकी मेहनत को आशीर्वाद दिया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि भगवान की पूजा का मतलब सिर्फ मंदिर में आरती उतारने से नहीं है, बल्कि वह उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में भी है। भगवान की पूजा का सही अर्थ है कर्मयोग। जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो हम भगवान की सच्ची पूजा करते हैं। कहानी तीन, अपांग व्यक्ति की सहायता। गांव के बगीचे में एक बच्चा नामक व्यक्ति रहता था जिसका दाहिना हाथ और पैर विकलांग थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी और उसका मन उदार था। उसका नाम राहुल था। राहुल के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह अकेले काम करता था। लोगों ने उसे देखकर अच्छाई से देखते थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। राहुल का मन उसकी स्थिति सुधारने का होता, लेकिन उसके पास उसकी मदद करने वाला कोई साथी नहीं था। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम सोनिया था। सोनिया ने राहुल के खेत में काम करते हुए उसकी सहायता करने का निर्णय किया।
उसने राहुल के साथ मिलकर काम किया और उसकी अपांगता को ध्यान में रखा। सोनिया की मदद से